दो वड़ा पाव कितने हुए? तू खाली एक वड़ा पाव का पैसा दे, कई के लिए क्यूट लोग के लिए एक वड़ा पाव मुफ्त उर्मी की तरफ से। करिश्मा मैडम जी, चेहरा ढकिए अपने, चेहरा ढकिए। काहे? काहे मतलब क्या? आपने इशारों इशारों में उनसे कह दिया कि हम यहाँ पे नजरे गड़ाए बैठे हैं, तो ढकिए ढकिए। जी सर, जी जी। हाँ बोला। मुझे बहुत भूख लगी लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, तो क्या तू मुझे वड़ा पाव दे सकती? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, पैसा मत दे, तू खा ले पहले। देना है तो उधार दे, मुझे भीख नहीं चाहिए, मैं पैसे कल दे जाऊंगा पक्का। अच्छा ठीक है, कल दे देना पैसा, पहले खा तो, जिंदा रहेगा तो देगा ना कल पैसा। दीदी आप तो उस आदमी को जानते भी नहीं, फिर कैसे भरोसा कर लिए कि वो कल आकर पैसा दे जाएगा? तजुर्बा कहता है हमारा कि स्वाभिमान खाली पेट जरूर हो सकता है लेकिन बेईमान कभी नहीं। अरे सोचना, जो आदमी भूखा मरने को तैयार है लेकिन भीख लेने को तैयार नहीं है, उससे ज्यादा भरोसेमंद और कौन होएगा रे? चल तू बना फटाफट। ये कुछ देखने और सुनने के बाद किसी को शक है कि ये हसीना मलिक जी नहीं है? मिस्टर पांडे, आपका शक बेबुनियाद है, ये 100% हसीना मलिक जी हैं। पूरा भरोसा है कि ये गुप्त अध्ययन पे हैं और ये सब लोग गुप्त अभियान की होड़ में हैं। और आप काम पे ध्यान दिया करो, चलो जा रहे हैं। सर वो हम जा रहे थे। नहीं सर, फिर से तू ही? ये चोर का तेरे पे दिल में लगा क्या जब देखो तेरी चेन चोरी करता है? मैडम ये सब छोड़ो, आप पुलिस वाली हो ना, मेरी मदद करो। ए नहीं नहीं चल चल, दिन में पुलिस वाली, रात को ये सब पुलिस का काम भी नहीं करती। पुलिस में जा, वापस रिपोर्ट लिखा, वो मदद करेंगे। अभी मेरा टाइम है, खोटी मत कर, चल चल निकल। दिमाग खराब है क्या अहिला? तू इधर देखो, हम मानते हमने तुमको 9 से 5 का बोला है लेकिन देश और समाज का जो सेवा होता है ना, वो वक्त देखकर नहीं आता, समझो हमारी बात को। अगर किसी को हमारा जरूरत है तो हमें उसकी सेवा में तत्पर रहना पड़ेगा किसी भी समय, चाहे वो आधी रात ही क्यों ना। और अगर तुमको इस सब जज्बे का एहसास नहीं, तुम्हें कोई कदर नहीं है, तो तुम अभी इसी वक्त सब कुछ छोड़कर जा सकती हो। दुकान बंद कर देना, मैं जा रही है। जी दीदी। अगर सच में मैडम सर हुई तो ये क्या किया हमने? अगर ये सच में हसीना मलिक है तो अब तो हमारे पास एक ही रास्ता है इसकी याददाश्त वापस लाने का। एक धीरे से, आवाज नहीं। बिल्लू भाई अभी देखो, मैडम सर को जहां चोट लगी थी ना, वह भी मारेंगे, याददाश्त वापस आ जाएगी। कुर्ते पैजामे में मैडम सर, चीते शुरू हो जा। कैसा प्राणी है रे, पहले तो अपने फूफा को मेला में छोड़ाया, उसके बाद माँ तुमने पुष्पा जी को पीट दिया। मिला के बैठा उसको, बिठा इसको, इसको नीचे चला, इसका मार इसको, हटना यार तुम, हट हट है, पुष्पा जी को मारता, मार इसको, पुष्पा जी को मार, इसका इधर। अब ठीक है, हम कौन हैं? पकड़ सुन, तो हमें पता चल गया, याद आ गया। हम तो पुष्पा है, ठीक है, कहाँ गए? रात वड़ा पाव जो दिन में इतना टाइट वर्दी पहन के एक्टिंग, किधर फंसा दिया रे मेरे को खाली पीने में। वाचा रे मल्ला देवा, वाचा लोकर वाचा। हसीना, ओ आंटी आंटी आंटी, रिपोर्ट लिखाने का है, थाने जाओ, इधर सड़क पे। हमें रपट नहीं लिखानी, हम कौन है बेटा? हम तेरी अम्मी है। देखो आंटी, ऐसा फालतू मजाक करने का नहीं, मेरी माई को गए बहुत टाइम हो। नहीं, ऐसा मत बोल, हम है तेरी अम्मी,
तेरी माँ बचपन का खेल फिर से खेल रही है ना हमारे साथ। अरे कौन सा खेल? बचपन में ना एक बार ऐसी तेरी याददाश्त चली गई थी, सारे वैद हकीम दिखा डाले, झाड़ फूक करवाई, लेकिन याददाश्त वापस आने का नाम ही नहीं ले रही। पकड़ी तब गई जब छज्जे पे छिपाई गई, पिट्टू की गिट्टियां निकालने लगी। यही खेल खेला करती थी ना हमारे साथ बचपन में, याद है ना तुझे? नहीं देखो हसीना, तू ऐसे नहीं जा सकती, तुझे याद करना पड़ेगा। प्यार से बोलो, छोड़ दो। हम गलत थे, अब हमको यकीन हो गया कि ये हसीना मलिक नहीं है। अगर होती तो अपनी माँ के साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करती। ये जो कोई भी है हमारी मैडम सर हरगिज नहीं है। ये लोग मेरे को हसीना मलिक बनाकर ही छोड़ेंगे। जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। गणपति पप्पा, अब तुम ही कोई रास्ता दिखाओ मुझे। अगर आरोप सिद्ध हुआ तो आप सस्पेंड भी हो सकती है। ये बेस्ट आइडिया है, मेरे को कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं सस्पेंड हो जाऊं। ना रहेगी वर्दी, ना रहेगी हसीना मलिक, ना रहेगा ये टंटा और ना ही ये नौकरी, और फिर मैं पहली फुर्सत में भागेगी मुंबई। अरे तुम कहां घुसा जा रहा ससुरा? सर कंप्लेन लिखी है, फिर मुझे देखने दीजिए ना। अरे कंप्लेन लिखा उसका ससुरे का, हमको डिस्टर्ब कर रहा है। अबे तो तू लिखना, तू बुलबुल पांडे। भाई साहब हटिए जरा। समझता क्या अपने आप बुलबुल पांडे? हसीना मलिक के खिलाफ कंप्लेन लिखने का हिम्मत कैसे हुआ तेरा? कान खोल के एक बात सुन ले, तेरे जैसे बुलबुल ना रोज में वॉशिंग मशीन में डाल के घुमा देती है, फिर से मेरे पीछे पड़ा ना पिन मार के फाड़ देगी तेरे को। वाह मैडम वाह, क्या कमाल कही है आप। लेकिन आप खड़े खड़े कह कह रही हैं, इसको मारिए चप्पल से मारिए। पता है मैडम, हम इसको कई बार बोले हैं कि महिला थाने में मुंह मत मारो, मुंह के बल गिरेगा, लेकिन नहीं मानता है। अरे हमको तो जलील कराता है, खुद अपना मुंह भी काला करा लेता है। आप इसको मारिए ना मैडम, इसी लायक है जलील गिरा हुआ घटिया दो कौड़ी का इंसान। ऐसा आप कहते सर, हमारे बारे में अगर हम आपकी जगह होते तो? रुको थोड़ा रुको, हम तुमको बताते हैं तुम्हारी जगह कहाँ है। हम रसाले होने का बहुत नाजायज फायदा उठा लिया, और आप ऐसे जो हसीना मलिक धमका रही है, हमें धमकी दे रही है। दीजिए दीजिए, हम बुरा नहीं मानेंगे। खिसियानी बिल्ली खंबा नहीं नोचेगी तो और क्या करेगी? यही यही तो समस्या है तुम्हारा ना, मतलब अपनी सहूलियत से औरत बन जाती है और अपनी सहूलियत से मर्दों की बराबरी का झंडा उठा लेती है। एक मामूली सा चोर तो पकड़ नहीं पाई आप, और यहाँ आ गई अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए। अरे तुम्हारा काम है चिल्ला चिल्ला कर बस भीड़ इकट्ठा करना, बाकी कुछ बस में होता नहीं है, सारा काम तो हमें ही करना पड़ता है। हाँ किया हमने तुम्हारा कंप्लेंट किया ना, मतलब क्या कर लो, कर सकती हो कुछ? जाइए रसोई में जाके मसाला कूटिए, ये चोर वोर पकड़ना आपके बस का काम नहीं है। औरत है, औरत की सीमा में रहिए, सीमा में। बहुत गलत किया हसीना मलिक, बहुत गलत किया। हो गया काम, अब ना नौकरी रहेगी ना कोई हसीना मलिक। हाथ नहीं उठाना था तुम्हें, अब देखना ये बुलबुल पांडे क्या करता है। 24 घंटा में तुम्हारा इस शरीर से ही वर्दी उतरवा नहीं दिया तो हमारा नाम भी बुलबुल पांडे नहीं, समझे? हम जानते हैं रे शुतुरमुर्ग कांडा, ये डंडा वाला कांड के पीछे ना तुम ही है। नहीं नहीं, माता को माता हो सकती है लेकिन सुपुत्र कुपुत्र नहीं हो सकता। संतु जी हमारा ना पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट है, करिश्मा मैडम से बात कीजिए, कब तक रहेगा इस थाना पर बोझ? बिल्लू जी फॉरएवर यहाँ पे रहेंगे। क्या
लल्ला के पापा। लल्ला के पापा? जी जी, हमने तो खाना खा लिया। हाँ, लल्ला सो रहा है ना। लल्ला के पापा। हाँ, क्या सुनाई नहीं दे रहा है हमें? जरा नेटवर्क पकड़िए ना। माँ का नेटवर्क गया। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इनकी भी आदर्श गुल? नया बवाल, नया सवाल, एक और भी गेट आउट। मम्मी, अभी फोन रखते हैं। बाय। ये जी। पुष्पा जी, पुष्पा जी, ये छोड़िए, छोड़िए, छोड़िए। क्या हुआ आपको? आप ठीक है? आपको याद है मैं संतू हूँ, ये चीता, ये बिल्लू जी? हाँ हाँ। माँ, मेरे वजह से आपकी आदत चली गई। मुझे इस दुनिया में रुकने का कोई अधिकार नहीं। मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। मर मर, जल्दी मर। हो गई नौटंकी, हो गई बिल्ले। आप ठीक है? तो कैसा रहा हमारा अभिनय? तो अब तो तुम लोग मानते हो ना कि हम ही हैं वो विराट निपुण अभिनेत्री। तुम्हारे पास भी वक्त है, माँ बदल अपना। इससे मतलब? महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। क्या हुआ? हेडक्वार्टर से फोन आया था, मैडम सर का सस्पेंशन ऑर्डर मेल किया है। कह रहे कि प्रिंट आउट निकालूं, मैडम सर के सिग्नेचर्स लूं और वापस हेडक्वार्टर पहुंचाऊं। चलो रे, चलो 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 चलो, ट्रेन का टाइम हो गया, उर्मी जा रही है, टाटा ओके भाई। किधर गए सब लोग? क्या बोलती पब्लिक? देखो भाई, अभी सब कुछ खलास, हसीन दिलरुबा हो गई है सस्पेंड, अपना काम खत्म, उर्मी जा रही है वापस, आमची मुंबई बनाएगी, वड़ा पाव। क्या रे तुम लोग ऐसा मुंह लटका के खड़े हो? देखो, माना कि तुम लोग सब थोड़े अजीब है, बाकड़े तेकड़े, काले गोरे मोटे पतले, जैसे भी है, लेकिन तुम सब दिल के बहुत अच्छे हो और मेरे को दिल से तुम सबकी बहुत याद आएगी। अभी जरा खुशी खुशी मेरे को विदा करो। इसमें राजमा चावल है, खा लेना रास्ते में, इसी बहाने हमें याद भी करोगी। क्या रे मातारी आइटम, जब भी मैं मुंबई में किसी को पानी पूरी खाते हुए देखेगी ना, मेरे को तेरे गोल गोल गप्पे गोल की याद आएगी। तू तो फेवरेट है ना अपने। अपना ध्यान रखना। तुम भी चला। और हाँ, तू लगाया था मेरे तरफ से ये आपके लिए माउस, मैडम सर के टेबल से ढापा है। बिल्ले, मैं ढाप के दूसरा रख दूंगा उधर, आप ये लेके जाओ और मैडम सर को याद करना और हमको भी याद करना। मेरे को लगा तू बोलने वाला है माउस ले जाओ और बिल्ला याद करना। बस बस, मैं मुंबई जा रही है, मर नहीं रही है। और सुन चिकने, एक बात कान खोल के सुन ले, जब भी मौका मिले थोड़ी सी हिम्मत करके अपने दिल की बात बता देना कि तू कितना प्यार करता है। ए, तू प्यार करता है किसी से? अरे अरे माँ सुन। और थोड़ा दो चार सिंगाड़ा खिला देना उसके पहले। शफे जी की चमकौल, आई विल मिस यू। आना सब लोग मुंबई में, रात का वड़ा पाव खाने, चौपाटी घुमाएगी मैं तुम सबको। पूछना तो पड़ेगा ना यार, रुको यार। लेकिन गुस्सा मत कीजिए। कर क्या रहे हैं यहाँ पर? आपसे अभी तक चोर नहीं पकड़ा गया? एक मिनट, थाना है आपका ससुराल नहीं, आराम से बतियाइए। माफ कीजिएगा पर हम जैसे शरीफ लोगों का मोहल्ले से निकलना मुश्किल हो गया। आप लोगों के इन्हीं सुस्त रवैये की वजह से ना चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं।
एक्सक्यूज मी, डोंट लाउड हां। लेकिन आप ये बताइए ना, वो चैन स्नेचर कब पकड़ा जाएगा? चैन चेन स्नेचर संतोष जी, चेन चेन क्या कर रही है उर्मी? होश में आ, थोड़ी देर और इधर रुकी ना तो भेजा फ्राई हो जाएगा। इस जगह में ही चलो चेहरे, निकल निकल इधर से। देखिए हम जो कह रहे हैं। रहने दीजिए माता जी, आपसे तो क्या ही बात करें। माता जी बात तो करूंगा मैं इनसे, कान खोल कर सुन लो, अगर मंगलसूत्र नहीं मिला ना घर के बाहर ही रहना। एक मिनट, क्या चल रहा है? आप महिला पुलिस थाने में खड़े हैं और एक महिला से अपनी बीवी से इस तरीके से बात करते हैं आप? लेकिन तुम ना अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। और ये तो वही बाइक है जिस पर सुषमा का चेन छीन कर भागा था। ये बाइक यहाँ कैसे? और तू काय के लिए कीमा पाव बना रही है भेजे का उर्मी? तेरे को क्या करने का इस लफड़े में पड़ के? तू उर्मी है विट्ठल वड़ा पाव की मालकिन, निकल इधर से निकल। अरे पर ऐसे कैसे, नमक खाए ना इनके थाने का। अब जब ये लुखा चेन स्नैचर सामने बैठा है, इसको पकड़ सकते हैं तो ऐसा मौका कैसे जाने देने का रे? कम से कम सटत चांदी को तो बता ही देती, बाकी वो देख लेगी उसका धंधा। थैंक यू। हेलो हेलो चटक चांदी, काय तुमको निकाल चाहिए तुमको हमसे? तुमको आजादी चाहिए था वो तो हमने तुमको दे दिया है, तो हमको काय फोन कर रही हो? अब जाओ ना, जो करना है अपनी जिंदगी में करो जाके। मेरी बात तो सुन अरे हंटर वाली, मैं बोल रही है कि उसका सुषमा का जो वो चेन का चोरी वाला आदमी है, वो मेरे को मालूम है, मैं जानती हूँ कि वो चोर कौन है। एक मिनट ना, मतलब आज तक हमारे थाना में जितने केसेस आए हैं वो तुमने सॉल्व किए हैं क्या? तुम हमको सिखाओगी, तुम हमको बताओगी हाँ कि चेन जिसने चुराया वो कौन है? हम अपना काम ना बहुत अच्छे तरीके से करना जानते हैं और हम उसी को ही पकड़ने अभी मार्केट में हैं, समझ रहे हो हमारी बात को? तो हमको सिखाओ मत, तुम जाओ, तुम कटो हमारी जिंदगी से भी और शहर से भी, समझी? अरे चक्कावत बड़ा पावत, क्या हंटर वाली, काम की बात करो तब भी नहीं सुनती है। जब तक करिश्मा सिंह लौटकर थाने नहीं आ जाती, ये सुषमा और उसके पति को इधर थाने में रोक के रख उर्मी। खड़ी-खड़ी देख क्या रही हो? चलो यहाँ से। एक मिनट रुकिए, अब आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। अब क्या हुआ? क्योंकि तफ्तीश जारी है तो थोड़ी देर बैठना पड़ेगा। ठीक है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ एक मिनट, पहले मेरे को तेरे को बहुत जरूरी बात बताने का। बताओ। बात यह है कि हाँ बात यह है कि हाँ औरतों का ज्वेलरी चुरा के भागते हो? तुम लोगों के लिए ना हमने अपना नेटवर्क को एक्टिव किया था, हमें पता था तुम लोग यहाँ आओगे, फिर से चेन चुराओगे। तुमने सुषमा का चेन भी चुराया है ना, सच बताना, झूठ नहीं, वरना वो हल करेंगे कि मुझसे एक कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत, मगर तुमसे ना देखा। अरे मैडम जी मारिए मत, हम बता रहे हैं मैडम जी सब कुछ सच सच। ये सच बात है कि हम औरतों की ज्वेलरी लूटने का काम करते हैं मैडम जी, लेकिन आप जिस औरत का जिक्र कर रही है ना, माँ कसम मैडम जी उसकी चेन हमने नहीं छीनी मैडम जी। अरे मैडम जी हम तो खुद हैरान है इस बात से मैडम, हमारे एरिया में कोई और चोरी करके जा रहा है, मतलब उसी की तलाश में तो आए थे हम लोग। और मैडम जी आपका बंदोबस्त देखकर हमको लगा कि अब हम पकड़ने आई हैं, तो भागने के लिए आप पर हमला कर दिया मैडम जी। और क्या
अभी हमारा मुंह सुझा दिए पूरा हमारा। हम झूठ मत बोलो ना, झूठ बोले पाँव पड़ते हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ये झूठ नहीं बोल रहे करिश्मा सिंह, मेरे को लगता है कि बिल्कुल सच्ची बोल रहे हैं। तुम्हारा दिमाग, एक मिनट, ए तो तरह लेके जा रहे इनको। तुमको बोला था ना आके दबोच लेना, कहाँ थे तुम? कुछ काम करने हो, चलो इनको जाने दे, फिर मैं तुमको सारी बात बताती हूँ। तेरे हवलदार से ज्यादा काम की मैं तेरे को यही बताने के लिए आई थी डार्लिंग, पुष्पा का चोर कौन है मैं जानती है। एक मिनट, क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पे? जाइए अपने अपने काम पे लगिए आप सब। और तुम जानती हो चोर कौन है तो बताया का नहीं, कौन है? सुषमा का पति राजवीर, वही है चीन चोर। क्या बात कर रही हो, उसका पति? हाँ, पूछ कैसे? कैसे? देख, जब भी उसका चेन चोरी हुआ था ना, तभी जो चोर था उसके बाइक के पीछे एक लोगो था, वही सेम डिट्टो लोगो राजवीर के बाइक के पीछे भी है। कभी देखा मैंने, जब भी राजवीर और उसकी पत्नी सुषमा गए थे थाने, मंजे अभी वो थाने में है और थाने के बाहर वही बाइक है जिसके पीछे वो लोगो है। इसके लिए तुम्हें बता सकती है कि वही है चोर, वही बताने के लिए मैं आई थी। यहाँ काहे आई तुम? तुमने वहाँ काहे नहीं बता दिया और गेम ओवर काहे नहीं कर दिया? बात खत्म हो जाती ना वहाँ पे। पर मैं बात को लेके नक्की नहीं था ना रे, और वैसे भी अंदाजा है ना डार्लिंग, सबूत तो नहीं है, ऐसा लोगो तो किसी की भी बाइक के पीछे हो सकता है। मजा तब आएगा जब राजवीर ये बात खुद अपने मुँह से बोलेगा। राजवीर ने बहुत गलत किया है, उसे अपनी पत्नी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया।